भगवान अन्नपूर्णा समय तक श्री काशी विश्वेश्वर की असीम कृपा से काशी के केदारखंड में स्थित मुमुक्षु भवन में भगवती पराभट्टारिका ललिताम्बिका का आराधना स्वरूप सहस्र चंडी यज्ञ बड़े वैभव से हो रहा है। आज ही हमें पता चला अपने कृष्ण मुरारी जी जो है यहाँ के वसंत पूजन के लिए हमें आमंत्रण दिए थे, तभी हमें पता चला कि यहाँ पर इस तरह कार्यक्रम हो रहा है। बड़े हर्ष की बात है, वासंतिक नवरात्र में भगवती की आराधना और काशी में काशी का जो स्वरूप है इसी को भगवती का स्वरूप बताया गया है। वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम, यह जो काशी शब्द है इस काशी शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। हम लोग सोचते हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, इस तरह जो है कोई एक शहर है काशी, नगर है काशी, तो यह हम लोगों का भ्रम है, यह हम लोगों का भ्रम है। भूमिष्ठापि नयत्र भूः त्रिदिवतो युच्चैः जगत्स्थापिया। काशी खंड का जो आरंभ है स्कंद पुराण का, बहुत बड़ा स्कंद पुराण करके एक पुराण है, उस पुराण में केवल काशी के लिए जो है 101 अध्याय व्यास भगवान ने रचना किया। उसमें किसी और देवता के बारे में या किसी और वस्तु के बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया। साधारणतः सभी पुराणों में अन्यान्य अवतारों का, अन्यान्य देवताओं का, अन्यान्य नगरों का, अन्यान्य क्षेत्रों का, सभी का वर्णन होता है, लेकिन केवल पुराणों में यही एक ऐसा पुराण है जिसको काशी खंड बोलते हैं। स्कंद पुराण का 101 अध्याय है, इसमें केवल काशी मात्र का वर्णन है और किसी का वर्णन नहीं है। अगर हम उसमें कहते हैं, उसका जो पहला श्लोक है उसमें कहते हैं भूमिष्ठापि नयत्र भूः, कहते हैं काशी भले ही भूमि में स्थित है, हम लोगों का जो चक्षु है, चर्म चक्षु है, यानी कि चमड़े का जो आंख है, चक्षु है, इतने ज्ञान में हमें इतना ही दिखाई देगा कि ये भूमि में स्थित है, जैसे बाकी शहर है उस तरह एक नगर है काशी, इतना ही हमें दिखाई देगा। लेकिन व्यासादि जो है ऋषि होने के कारण उनको इस चर्म चक्षु के अलावा एक ज्ञान चक्षु भी उनके पास है, उस ज्ञान चक्षु से वो मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, इसका अवलोकन करते हैं। तो व्यास जी कहते हैं भूमिष्ठा भी न यत्र भूः, यह भले ही भूमि में है काशी तथापि भूमि में नहीं है। फिर कहाँ है भूमि में? अगर नहीं है तो हम लोग ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, कार से आते हैं, पैदल आते हैं, सभी भूमि से तो ये जुड़ा हुआ है, फिर कहाँ पर है? तो कहते हैं त्रिदिवतोऽप्युच्चैः जगत् स्थापिया, इस भूमंडल में होते हुए भी त्रिदिवत स्वर्गलोक से भी ऊंचे पद पर है ये। स्वर्गलोक से ऊंचा मतलब क्या है? ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, हम लोग प्राणायाम में बोलते हैं, तो ये सात लोक हैं अपने भूमंडल के ऊपर जो है, सात लोक हैं। इसमें सबसे जो है ऊपर सत्यलोक है, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। सत्यलोक से ऊंचा तो कोई देखा ही नहीं है, कोई गया ही नहीं है, लेकिन व्यास जी कहते हैं उससे भी ऊपर है ये। भाई कहां पर है उससे भी ऊपर? तो कहते हैं त्रिकंटक विराजिते, भगवान परमेश्वर का जो हाथ में, भगवान परमेश्वर के हाथ में जो त्रिशूल है, इसका जो मध्य कंटक है, जो बीच वाला शूल है, त्रिशूल यानी उसमें तीन शूल होते हैं, उसमें शूल यानी भाला, उसमें जो मध्य शूल है उस पर भगवान ने इसे प्रतिष्ठित किया है। इसीलिए अब भगवान का जो त्रिशूल है वो सत्यलोक से भी ऊपर है, उनका लोक जो है सभी लोकों से ऊपर है। तो व्यास जी कहते हैं त्रिदिवतोऽप्युच्चैः जगत् स्थापिया, इसलिए इस काशी शब्द से हमें यह पहचानना चाहिए, ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि काशी यानी ज्ञान, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता येन तेन प्राप्तानि काशिका। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं यह काशी मतलब ज्ञान, काशी में इसीलिए आते ही भले ही कितना भी पापी हो लेकिन उसके मन में भी काशी के अंदर आने के बाद अच्छे विचार भी आते हैं उसके मन में। कारण क्या है? प्रायश्चितेन्दुशेखर नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें केवल पापों का प्रायश्चित बताया है,
जो जो आप पाप किए हैं उन सबका प्रायश्चित क्या क्या है यही बताया है, उसमें और कोई विषय नहीं बताया है। प्रायश्चित लेकर करके बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें कहते हैं सारा प्रायश्चित कहने के बाद वो कहते हैं ये सब प्रायश्चित एक तरफ है, काशी में जो गंगा में स्नान करते हैं वो एक तरफ, आप इतना प्रायश्चित करिए काशी में गंगा में स्नान करिए, दोनों एक बराबर है। कारण क्या है, वाराणस्याम पापं नहि प्रविशति, कहते हैं वाराणसी में पाप का प्रवेश नहीं है, भले ही वो कितना भी पापी हो, लेकिन अगर भगवान भूत भवन काल भैरव और भगवान विश्वनाथ उसको आज्ञा दे देते हैं काशी के अंदर आने की, तो उनकी आज्ञा है कि उनका जितना भी पाप है वो काशी के बाहर रहेगा, काशी के अंदर वो पुण्यात्मा होकर ही आ सकते हैं। काशी के बाहर जब वो जाएंगे सारे पाप उनको फिर से धरेंगे, लेकिन काशी के अंदर वो पुण्यात्मा बनकर ही वो आएंगे। ये जो है यहाँ का भगवान भूत भवन काल भैरव और भगवान विश्वनाथ का आज्ञा है ये, तो काशी में पापों का प्रवेश नहीं है, इसीलिए काशी के अंदर आने पर सारे पाप धुल जाते हैं, अपने से हट जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं काशी सर्व प्रकाश का, इसी को ज्ञान का स्वरूप है बताते हैं। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका एक अच्छा ग्रंथ है, सभी को उसका अध्ययन करना चाहिए, सभी पंडितों को उसका प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, भगवान आदिशंकराचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें 7 श्लोक है, उसमें एक एक श्लोक में 4-4 उपदेश वो देते हैं आदिशंकराचार्य, एक प्रश्न उसका एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, ऐसे 4-4 जो है उपदेश एक एक श्लोक में देते हैं। उसमें तो पूछते हैं पुत्र विधेयो वासः, कहां पे अपने को बसना चाहिए, कहां वास करना चाहिए, निवास करना चाहिए, तो उसका उत्तर देते हैं आदि शंकराचार्य, सज्जन सविधे, जहां पे कई सज्जन लोग रहते हैं वहां पर आप वास करिए, अथवा काश्याम, नहीं तो काशी वास करिए। कारण क्या है, सज्जन लोग जहां रहते हैं वहां पे अगर हम रहेंगे तो हमारी चित्त, हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को सज्जनों का जो वो सच्चरित्र है वो सदा शुद्ध रखेगा। उसका उदाहरण देते हैं, काचः कांचन संसर्गात् तत्ते मारकतीं द्युतिं तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। अरे ही काचमणि जो रहता है, काचमणि यानी उसमें कोई अपना प्रकाश, स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उसको अगर आप एक अच्छे वैडूर्य मणि के पास रखेंगे तो इसका जो प्रकाश है ये उसमें लगकर वो भी चमकने लगता है। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति अगर विद्वान व्यक्ति के संगम में आ जाता है तो विद्वान व्यक्ति का जो संग है वो उस मूर्ख को भी जो है प्रवीण बना देता है, विद्वान बना देता है। उस तरह काशी में आने पर अपने को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सज्जनों के सन्निधान में रहने से अपने को ज्ञान प्राप्त होता है। यह जो ज्ञान सज्जनों के सन्निधान में मिलता है, यह ज्ञान बिना किसी प्रयास के केवल काशी में वास करने से ही मिल जाता है, इसीलिए काशी की बड़ी महत्ता बताई गई है। यह महत्ता केवल पुराणों में ही नहीं बताया गया है, श्रुति में, वेद में, जावालोपनिषद में बताया गया है कि अभिमुक्त क्षेत्र क्या है। अभिमुक्त हमने सुना है, याज्ञवल्क्य को सभी ऋषि पूछते हैं, अभिमुक्त नाम का कोई क्षेत्र है ऐसा हम लोगों ने सुना है जहां पे देवता लोग जो है यज्ञ करते हैं, अभिमुक्त जो है देव इंद्र है, ये कहां पर है, तो वो कहते हैं अभिमुक्त नाम का एक क्षेत्र है जो वरणा नाम की नदी और नाशी अथवा असी, असी जो भी बोलिए, ऐसे कई नाम है, ऐसी एक नदी है, इन दोनों के बीच में जो स्थित है क्षेत्र इसको अभिमुक्त कहते हैं। तो ऋषि लोग पूछते हैं यह अभिमुक्त शब्द का अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं अभी मतलब पाप, यह क्षेत्र पाप से मुक्त है, इसमें पाप का प्रवेश नहीं है, इसीलिए इस अभिमुक्त में वास करना चाहिए, ऐसा जो है जावालोपनिषद में कहते हैं। तो श्रुति स्मृति वगैरह में हर जगह जो है काशी का बहुत वर्णन आया हुआ है, ऐसे कई वर्णन है कई पुराणों में, सभी पुराणों का और सभी इसका वर्णन हम लोग समय के संक्षिप्त रूप होने के कारण हम लोग सभी का वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए काशी में हम लोगों ने स्मरण किया विश्वेश माधवन कुंडिम संगमान भैरवम वंदे काशी महान गंगा भवानी मणिकर्णिका। यहाँ पे वेदव्यास
एक विश्वनाथ आश्रम का निर्माण किए हैं, जिसको हम लोग जो है गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम ऐसे जो है श्लोक है, इन श्लोकों को हम कई बार उसमें भी सुनते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह में भी कई गायक लोगों के द्वारा गाया हुआ सुनते हैं। इसमें मध्य श्लोक एक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है। उस श्लोक में भगवान विश्वनाथ का आराधना काशी में कैसे करना है यह विधि बताते हैं। एक देवता की आराधना के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, पुष्प रखेंगे, गंगा जल रखेंगे, धूप रखेंगे, दीप रखेंगे, अच्छे अच्छे फल रखेंगे, चावल रखेंगे, पूजन का जो भी सामग्री है कौशोपचार का सामग्री रखेंगे, उसके द्वारा पूजन करेंगे। यही विधि है, इसी सामग्री से इनका पूजन होना है। लेकिन एक विलक्षण इसमें विधि बताते हैं, वेदव्यास कहते हैं आप भले ही ये सब सामान ना रखें, केवल मन से ही चेतस्मन का, मन से ही जो पुष्प है उसका आप समर्पण करिए, भगवान को वो चलेगा। लेकिन कुछ योग्यताएं हैं जिनका संपादन करने पर ही आप काशी विश्वनाथ की पूजन कर सकते हैं। क्या योग्यता है? आशाम विहाय, हमारे पास जितनी भी इच्छाएं हैं आशाएं हैं इन सबको छोड़ देना चाहिए, इन सबको छोड़ देना चाहिए। भगवान विश्वनाथ का अगर आपको सच्चा आराधन करना है तो ये सब जितने भी आशाएं हैं इन सबको छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात दूसरा बताते हैं, दूसरी योग्यता बताते हैं जो बहुत मुख्य है, परिहृत्य परस्य निंदा, जो परनिंदा करते हैं इसको छोड़ देना चाहिए। परनिंदा का बड़ा दोष बताया गया है शास्त्रों में, सभी पापों की निष्कृति है लेकिन परनिंदा जो करते रहते हैं उसकी निष्कृति नहीं है। और काशी में पापों का प्रवेश भले ही नहीं है लेकिन एक पाप काशी में बहुत दंड देते हैं भगवान, जिसका परनिंदा काशी में परनिंदा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं इस परनिंदा को छोड़ेंगे तभी भगवान विश्वनाथ आपके पूजन का ग्रहण करेंगे। आशाम विहाय परिहृत्य परस्य निंदा पापे रतिं च सुनिवार्य, अगर आपको पाप करने में ही मन ज्यादा लगता है तो कई क्षेत्र हैं, काशी को छोड़ दीजिए, दिल्ली में जाइए पाप करिए, बॉम्बे में जाइए पाप करिए, मद्रास में जाइए पाप करिए, हैदराबाद में जाइए पाप करिए, पुणे में जाइए पाप करिए, बहुत से जगह है जहां पे आप जाइए पाप करिए, लेकिन काशी को छोड़ दीजिए। उसका उदाहरण जो है बहुत कठिन उदाहरण देते हैं, मनुष्य जो भी जीव होगा, मनुष्य या कोई भी जीव कितना भी कामार्थ हो, किसी भी स्त्री को वो गलत दृष्टि से देखता हो लेकिन अपनी माता को जो है वो कभी गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, कितना भी कामार्थ हो। उस तरह आप पूरे विश्व भर में आप पाप करिए कहीं पर भी, लेकिन एक काशी को छोड़ दीजिए। कारण क्या है? वज्रदेवो भविष्यति, काशी खंड में कहते हैं काशी में किया हुआ एक एक पुण्य जितना फलदायी है उसी प्रकार काशी में किया हुआ एक एक पाप वज्रदेव होता है, उसमें वज्र से भी जो है उसको भेद नहीं सकते हैं, ऐसा हो जाता है। इसलिए काशी में पाप ना करें, काशी के बाहर जाके पाप करके फिर आइए काशी में। आपको पाप करने में ही मन लगता है तो काशी के बाहर जाइए, जो भी पाप करना है आप करिए, फिर काशी में आइए, गंगा स्नान करिए, भगवान उसकी उसको क्षमा करेंगे, लेकिन काशी में आप पाप मत करिए। पापे रतिंच सुनिवार्य, मन समाधौ आदाय, समाधि में बैठकर मन को जो है एकाग्र करके हृत्कमल मध्यगतम परेशम, अपने हृदय कमल में जो भगवान विश्वनाथ जो परमात्मा स्थित है यही भगवान विश्वनाथ हैं। आप यहां से पैदल चल के विश्वनाथ मंदिर जाइए, दूध लेकर जाइए, दही लेकर जाइए, बिल्वपत्र लेकर जाइए, गंगा जल लेकर जाइए, सब लेके गए लेकिन ये जो योग्यता बताया इसमें एक भी योग्यता का संपादन बिना किए हम लोग गए तो इसका मतलब है कि हम लोग गुड्डे गुड़िया का खेल खेलिए। केवल यहां से गए मात्र और क्रिया मात्र हम लोग जो है वहां पे करके आए। इसलिए व्यास कहते हैं आदाय कमल मध्यगतम परेशम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ, विश्वनाथ का अगर आपको आराधन करना है तो इस विधि से आराधन करिए। ऐसे काशी में इस तरह के कई क्षेत्र देवता हैं, गंगा भागीरथी है, गंगा की महिमा तो जो है पूरे उसमें वर्णित है। कहते हैं नरो यत्र देवयवो मदंती, देवताओं के पास जाना है मोक्ष को प्राप्त करना है, ऐसे जिस मनुष्य का इच्छा होगी वो मनुष्य गंगा जी में
दुबकी लगाए ऐसे जो है अपने यहाँ वेद में खाते हैं। तो ऐसी गंगा जी यहाँ पर है, इस तरह कई देवी देवताएं हैं, इन सबका प्रतिदिन दर्शन स्मरण पूजन कुछ भी नहीं तो स्मरण केवल इतना ही करें तब भी बहुत पुण्य है। ऐसे पुण्य नगरी काशी में आप लोग आए हुए हैं और वासंतिक नवरात्रि के इस परम पवित्र काल में भगवती की आराधना कर रहे हैं और स्थान भी मुमुक्षु भवन है, मुमुक्षुओं का भवन है, जो मोक्ष इच्छु है जिसको मोक्ष पाने की इच्छा है वो इस भवन में आते हैं। ऐसे ऐसा मुमुक्षु भवन काशी केदारखंड के अंतर्गत है, इसमें हसी नदी के किनारे गंगा के किनारे आप लोग आराधना कर रहे हैं भगवती से, भगवान काशी विश्वनाथ से, अन्नपूर्णा समेत श्री काशी विश्वनाथ से। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जिस कामना से इस यज्ञ को कर रहे हैं वह कामना की पूर्ति हो तथा लोकक्षय में इससे उत्पन्न हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। महादेव शब्द हम लोग बोलते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति काशी में हुई है। हम लोग जो हर हर महादेव करके बोलते हैं ये कहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई किसी को मालूम नहीं है, इस शब्द की उत्पत्ति काशी में हुई है। एक मिनट में बता रहा हूं, सभी को ये विषय जो है सभी को हाँ जान के रखना चाहिए। महाव्रतम महालिंगम महेन्द्रादिह संस्थितम स्कंदे समीपे तो महाव्रत फलप्रदम वृंदारकर्षि वृंदानां स्तुवतां प्रथमे युगे उत्पन्नयन् महालिंगम भूमिं भित्वा सुदुर्भिदां महादेवेति तैरुक्तम यन् मनोरथ पूरणात् वाराणस्यां महादेवः तदारभ्या भवच्चयत् वाराणस्यां महादेवः तदारभ्य अभवच्चयत। पहले युग में यहाँ पे काशी में एक बहुत बड़ा महालिंग का उत्पत्ति हुई, वो भूमि को भेद कर जो है स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। उस महालिंग को देखने के बाद सभी ऋषि सभी देवता सभी लोग जो है महादेव महादेव करके उच्चारण किए थे काशी में, उसी समय से महादेव शब्द की उत्पत्ति होके लोक में प्रचलन हुआ ऐसा स्कंद पुराण में काशी खंड में अष्टषष्ट्यायतन समागम वर्णन इस अध्याय में बताया गया। इसलिए काशी में एक एक बार हम लोग जो हर हर महादेव बोलते हैं इसका बहुत अनंत कोटि फल है, अनंत कोटि फल है। नमस्कार। స్థిరంగా ఉంది ఈ వేద స్వస్తిని
अंदर की कूड़ा स्वस्तिवाचक पंडित स्वस्तिवाचन तो सहस्त्र चंडी याग मन सहस्त्र चंडी याग संपूर्ण सहकल्यम सानंदम सविभूतिक मेमंदर प्रार्थना इंत गोप पंडित केवल मेमिचे चिरस निज्ञा चवर मे वेद स्वस्ति तो असल लक्षल धारपोषण वेदा की बेलकन पैस्थित अनेपड़ी चलो नूरपोला शिव सन्मान गीता శేఖర్ ద్రవిడ కనపడి మా నిజంగా